नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज। अंदेशक शिक्षा मित्र, पहली कैबिनेट में होंगे नियमित। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है साथियों, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही अंदेशकों को नियमित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर कहा गया है समाजवादी सरकार बनने पर अंदेशकों को नियमित किया जाएगा। लगातार नियमित करने की बात कही जा रही है सपा सरकार द्वारा, और हर रैली में ये घोषणा हो रही है कि हमारी सरकार बनते ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अन्य संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, उन्हें समायोजित करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो लगातार ट्विटर हैंडल पर भी यही बात चल रही है, अनुदेशकों को नियमित किया जाएगा, शिक्षा मित्रों के को नियमित किया जाएगा। यह साथियों, ये बात तो तय हो चुकी है कि सरकार बनते ही अंदेशक और शिक्षा मित्रों का उज्जवल भविष्य है, उनका नियमितीकरण अब तय है। यहाँ पर एक और समाचार दिखाना, इसे भोलानाथ पांडे जी ने पोस्ट किया है। आज पूर्व मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र निर्माण कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री आलोक रंजन जी, कमेटी के सदस्य हम सबके बड़े भाई आदरणीय नारसिर भैया व आदरणीय राम प्रताप जी ने उत्तर प्रदेश के कई संगठनों के साथ वर्चुअल मीटिंग किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अनुदेशकों का पक्ष रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम आदरणीय आलोक रंजन साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार में आने पर नियमित कराने का पूरा आश्वासन दिया है। आपकी पूरी टीम को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भोलानाथ पांडे जी ने ये पोस्ट किए और बताया है कि हमारा नियमितीकरण होगा, जिसके लिए आश्वासन दिया गया है। साथियों, इसके साथ ही मैं आज की वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखाना चाहूँगा, वो वीडियो दिखाना चाहूँगा। देखिए आप परम आदरणीय राम गोपाल, शिक्षा मित्रों के रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे बीएड टीटी के अध्यापकों उनको नियुक्ति देने का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों को रेगुलराइज करना वाला हो, चाहे अनुदेशकों वाला हो, शिक्षा मित्रों के बारे में भी स्पष्ट है कि गवर्नमेंट आएगी, कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सारे वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा गांव-गांव में जो हमारी आशा बहनें और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती हैं, जिनको बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है और उन्होंने मांग करने गई जब लखनऊ, तो उन पर लाठीचार्ज किया योगी के आदेश पर वहां की पुलिस ने, इन सबको मानदेय बढ़ाने का, सबका मानदेय बढ़ाने का काम भी गठबंधन सरकार करेगी। इसके लिए हम सब वादा करते हैं आप लोगों से। आपने देखा होगा,